हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग अ गुड जॉब। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। तो आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 97। दिस इज़ योर वर्क मैथ्स वर्कशीट एंड द डेट इज़ 26 अक्टूबर 2021। तो मैथ्स की वर्कशीट है और वर्कशीट ये क्लास 5 की है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आपको आपका क्लास, उसके साथ आपको सेक्शन ए बी सी जो भी आपका है, फिर आपको अपना नाम और आपकी टीचर का नाम लिखना है। आज का जो लर्निंग आउटकम है, जो आज हम इसमें सीखेंगे, वो सीखेंगे टू एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स इन वेरियस शेप्स। हम अलग अलग शेप्स में एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल को हिंदी में कोण कहते हैं, यानी कि जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं, किसी भी तरीके से, चाहे वो ऐसे मिलें चाहे वो ऐसे मिलें, जब वो एक पॉइंट पर मिलती है और उसके बीच जो ये बनता है, इसे हम एंगल या कोण कहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ये वर्कशीट। पहले हम ये चित्र पहली सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम वर्कशीट करेंगे। ठीक है, चित्र पहली, दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र दो में कुछ गलतियाँ हो गई। ठीक है, आप किन्हीं चार गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। कोई चार गलतियां बताइए, ज़्यादा हमें इसमें ढूंढनी भी नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या इसमें गलती हुई है। सबसे पहले ये देखिए, ये पत्ती का डिज़ाइन, ये पत्ती और यहाँ पर ये अलग पत्ती है, तो ये पत्ती अलग बनी हुई है। ठीक है, पत्ती अलग बनी है। दूसरा देखें क्या है, इधर देखिए, दूसरे में यहाँ पर ये फूल है और यहाँ ये पत्ती है, तो ये फूल यहाँ नहीं है। ठीक है, तीसरे में ये इस पत्ती का और इस पत्ती का डिज़ाइन भी अलग है। ठीक है, और चौथा देखते हैं क्या है। चौथा देखिए, ये जो इसका ये कवर डला हुआ है, इसकी एक ही बेल्ट है, यहाँ पर एक बेल्ट है, यहाँ पर दो बेल्ट है, यानी कि एक बेल्ट कम है, बेल्ट कम है। ठीक है, एक बेल्ट कम है। और देखिए, और कोई आपको अंतर दिखाई दे रहा है इसमें? और इसमें ऐसा कोई खास अंतर दिख नहीं रहा है। तो ये चार हमारे अंतर जो हैं वो आपको मिल गए हैं, यानी ऊपर वाली पत्ती सही नहीं है, नीचे वाली पत्ती भी का डिज़ाइन सही नहीं है ना, वहाँ तितली बनी है, वहाँ पत्ती, और यहाँ पर ये पत्ती का डिज़ाइन सही नहीं है। इधर फूल है, इधर पत्ती है, और ये जो बेल्ट है ये एक ही बेल्ट बंधी हुई है। ठीक है, तो आइए अब हम करते हैं अगला प्रश्न, कोण और आकृतियाँ। स्वाति के बड़े भैया आज कोण पर आधारित कुछ सवाल हल कर रहे थे। स्वाति ने जिज्ञासा से पूछा कि भैया कोण क्या होता है। भैया ने स्वाति को समझाने के लिए एक गतिविधि करवाने की सोची। उन्होंने एक झाड़ू की तीली ली और स्वाति को समझाने लगे, आप भी अरुण की तरह झाड़ू की एक तीली लेकर इस गतिविधि को कीजिए। ध्यान रखिए कि तीली आपकी आँख में ना लगे। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने ऐसी एक बड़ी सी तीली ली। ठीक है, मान लीजिए ये तीली है, और फिर उसने क्या किया, इस तीली को यहाँ सेंटर से तोड़ दिया। तोड़ा ऐसे नहीं कि वो अलग अलग हो जाए, उसने उसे इस तरीके से मोड़ा कि एक तिल्ली ऐसे और दूसरी तिल्ली इस तरीके से बन जाए। तो देखते उसने क्या किया, तिल्ली को बीच में से तोड़िए, जैसे कि मैंने बताया यहाँ से तोड़िए। अब इन दोनों तिल्लियों को इस प्रकार पकड़ो कि दोनों आपस में मिलकर एक कोना बनाए, जैसे ये कोना है इसका। ठीक है, ये कोना इसने बनाया। तिल्लियों से बनाए कोण को कॉपी पर रखकर ट्रेस कीजिए। अब आप इसी जो कोना आपने जो तिल्लियों से बनाएंगे उसे आप ट्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, क्या आप जानते हैं कोण को ट्रेस करने के बाद जो दो भुजाएं बनी हैं उन्हें कोण की भुजाएं कहते हैं। जिस स्थान पर कोण त्रिभुजाएं आपस में मिल रही हैं उसे कोण का शीर्ष कहते हैं। इन दोनों रेखाओं के बीच में उंगलियां घुमाओ, इसे कोण कहते हैं। देखिए, जब हमने इस तिल्ली को इस तरीके से तोड़ दिया, मैं इसे थोड़ा बड़ा करके बताती हूँ, जब हमने इस तिल्ली को बीच में से इसे तोड़ दिया, तो ये जो बने हैं, ये इसकी कोण की क्या है, ये भुजाएं हैं। ठीक है, ये दोनों ही भुजाएं हैं, ये भी भुजाएं, ठीक है, ये भी भुजाएं। ये जो मिला हमें, ये एंड पॉइंट, ये इसका शीर्ष है। शीर्ष मतलब सिर, यानी कि टॉप है। ठीक है, और ये जब हम उंगली घुमा रहे हैं तो ये जो अंदर बना है ये है हमारा कोण। ये कितने डिग्री का कोण है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी दोनों भुजाएं हैं, ये हमारा शीर्ष है और ये अंदर बना वाला हमारा कोण है।
ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आएगा कि हम कोण किस तरीके से बनाते हैं। वैसे हम कोण को कंपास यानी कि प्रकार की मदद से बनाते हैं, पर अभी हम साधारण कोई नाप का कोण नहीं बना रहे हैं, तो आप इसे इस तरीके से ऐसे कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखें क्या है। धीरे धीरे तिल्लियों को खोलिए और उनके फैलाव को बढ़ाइए। देखिए कोण बड़ा और बड़ा और बड़ा हो रहा है। आप भी अपना कोण बनाइए और इसके फैलाव को बढ़ते और कम होते देखिए। आपने मान लीजिए तिल्ली तोड़ी और वो पहले ऐसी थी, फिर आप उसे थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, वो ऐसी हो जाएगी, फिर और उसे बढ़ा देंगे तो वो ऐसी भी हो सकती है ना, और एक पॉइंट पर वो तिल्ली पूरी सीधी हो जाएगी, जो कि आपका 180 डिग्री का ऋजु कोण बन जाएगा, ठीक है। अब स्वाति को कोण बनाने का काम बहुत अच्छा लगा, उसने दो तीन कोण बनाकर रख लिए। आप भी मम्मी से झाड़ू की एक सीधी तिल्ली मांगिए और उससे कोण बनाने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार आप कुछ कोण बनाकर अपनी कॉपी में चिपकाएं और तिल्लियों को ट्रेस करते हुए कोण दिखाएं। तो आप क्या करेंगे, आप तिल्ली लेंगे और उसे बीच में से तोड़ेंगे, ठीक है। तोड़ने के पश्चात जब वो तिल्ली इस तरीके की बनेगी तो आप उसे अलग अलग स्टेज पर देखेंगे। आपने मान लीजिए पहला इतना चौड़ा बनाया, इसे ट्रेस करेंगे, फिर आपने पतला बनाया, इसे ट्रेस करेंगे, फिर आपने और बड़ा बनाया, इसे भी ट्रेस करेंगे। तो इस तरीके से आपको कोण बनाना आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपको यूज़फुल लगी होगी, इसका सोल्यूशन। अगर आपको समझ आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।